हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये देखिए शॉल स्टॉल की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही प्यारी है और बहुत इजी है बनाना। ये देखिए, इससे आप कार्डिगन भी बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन शॉल में बहुत ही प्यारा ये पैटर्न लगेगा। देखिए पूरी नेट वाली डिज़ाइन है और बहुत ही स्ट्रेचेबल है। इसको मैंने देखिए दो कलर में बनाया हुआ है, फिरोजी और पिंक कलर में बनाया हुआ है। आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं, या तो आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ये 6 के मल्टीपल ये डिज़ाइन बनती है फ्रेंड्स, और दो फंदे आपने एक्स्ट्रा डालना है साइड साइड में, एक एक फंदे। तो ये डिज़ाइन हम पीछे से बनाते हैं। आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने दो सलाई उल्टी उल्टी बना लेनी है। एक सलाई देखिए, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया है फंदे डाल के, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सलाई की निटिंग कर लिए हैं, फिर उसके बाद पीछे की साइड से ये हमारी डिज़ाइन बनना शुरू होती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड से डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए पीछे की साइड से कुछ इस तरह डिज़ाइन ये है उसकी, बहुत ही प्यारी लग रही है। पीछे की साइड से भी और आगे की साइड से भी ऐसे डिज़ाइन है। तो ये बैक साइड से हमारी डिज़ाइन बनेगी। 6 के मल्टीपल आपने फंदे रखने हैं, यानी 6 से जिसका गुना हो जाए उतना फंदा रखना है। एक फंदे इधर एक्स्ट्रा और एक फंदा इधर, यानी दो फंदा आपने एक्स्ट्रा रखना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहले फंदे को आपने सिंपल बुनाई करना है। यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, आप चाहें तो इसे सिंगल कलर का भी बना सकते हैं। तो सिंगल फंदा हमने ऐसे बना लिया, ये देखिए। अब देखिए एक फंदे पे हम 3 टाइम रैप करेंगे, यानी 3 टाइप हम लपेटेंगे। देखिए 2 3, सभी फंदे पे हमने ऐसे ही करना है। देखिए 3 3 बार हम लपेटेंगे सभी फंदे के ऊपर, ऐसे ही पूरी रो हमने ये कंप्लीट करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपने अपने प्रोजेक्ट पे रखना है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, आप ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए इससे आप हाफ जैकेट भी बना सकते हैं, वुलन ब्लाउज की भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और शॉल स्वेटर भी। तो चलिए ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं बना के। ऐसे देखिए एक फंदे पे हम 3 3 बार लपेट रहे हैं। एक बार आप लोग अच्छे से 1 2 3 3 बार लपेटने के बाद फिर इसको हमने बना लिया 1 2 3। तो ऐसे ही हम जितनी भी हमारे यहाँ पे फंदे हैं सबको बना लेते हैं। अब देखिए हम आगे की साइड आ गए हैं। हमने देखिए पीछे की साइड से सभी फंदों पे 3 3 बार लपेट के ये पूरा कंप्लीट किया है। एक फंदा देखिए हम ये लास्ट वाला हम सिंपल बनाएंगे, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इस फंदे को हमने सीधा बना लेना है। एक फंदा इसको हमने सीधा बना लिया, फिर उनको अपनी साइड लाएंगे, यहाँ पे 6 फंदे खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पे हमने 6 फंदे इसको खोला। अब हम क्या करेंगे, इन 6 फंदों को खोलने के बाद हम देखिए 3 फंदे इस साइड से ले जाके और 3 फंदे उधर का इस सलाई में ऐसे को निकाल लेंगे। ये देखिए फिर इसको इसके ऊपर लाएंगे, यानी पीछे का 3 फंदा आगे लाएंगे हम। देखिए 1 2 3, पहले हम पीछे का फंदा ला के हम 3 फंदा बुन लिए, उसके बाद ये फंदे हम बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए हमने ये 6 फंदे बनाने के बाद इसको ऐसे को खींच लेंगे, तो ये हमारी डिज़ाइन ऐसे बन रही है। देखिए फ्रेंड, फिर हमने यहाँ पे 6 फंदे खोल लिए हैं। आप लोग देखिए, देखिए इसको, ये हमने 6 फंदे खोलने के बाद क्या करना है, 3 फंदा जो हमारा इस साइड का है उसको हम इसके ऊपर से ऐसे को, ये 3 फंदे को ऐसे इसके नीचे से निकाल देंगे। जब आप लोग बनाएंगे तो बहुत ईजी लगेगी ये डिज़ाइन। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम सभी फंदे को बनाएंगे। पहले जो 3 फंदा निकाला हुआ है वो, अब उसके ऊपर का ये फंदे 1 2 3, ये देखिए। फिर अब क्या करेंगे, यहाँ से 6 फंदे खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे देखिए हमने फिर यहाँ पे खोल लिया।
अब देखिए फिर इन तीनों फंदे को हम इस पे ले आएंगे। फिर ये पीछे वाला फंदा आपने ऐसे करेंगे तो इसमें से ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा, लेकिन याद रहे कि फंदा हमारा यहाँ पे कोई फंसने ना पाए। फंसने का मतलब फ्रेंड्स कि आगे पीछे ना हो पाए। जैसे अब देखिए इसमें हम फंदे देख रहे हैं तो ये हमारा आगे पीछे नहीं बराबर है। इसमें देख रहे हैं तो देखिए ये फंदा हमारा पीछे का आगे हो गया। ये जब आप बनाएंगे तो अपने आप ये सही रहेगा। ये देखिए अब इसको हम इस पे लाएंगे और एक दो तीन, इन तीनों फंदों को हमने बना लिया। फिर ये तीनों फंदे हम बनाएंगे। ये देखिए तो ये हमारी डिजाइन ऐसे बन रही है। और फिर लास्ट में हम फंदे को खोल लेते हैं। ऐसे ऐसे आपने फंदे को खोल लेना है। देखिए हमने यहाँ पे फंदे को खोल लिया। फिर हम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारी डिज़ाइन ऐसे बन गई है। ये देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। आप इससे हाफ जैकेट भी बना सकते हैं। ये देखिए अब फिर हम एक लाइन और आप लोग को बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए पीछे की साइड से हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये पिंक वाला। तो पहले फंदे को हमने ऐसे ही बना लेना है उल्टा। इसको हम ऐसे खींचेंगे तो ये छोटा हो जाए। अब देखिए एक दो तीन, एक एक फंदे पे हम तीन तीन बार लपेटेंगे। छः छः के मल्टीपल ये फंदा बनेगा, यानी एक डिज़ाइन हमारी ये छः फंदे की है। आप आठ का भी कर सकते हैं। तो आप आठ का अगर बनाएंगे तो चार चार फंदे निकालेंगे, दस का बनाएंगे तो पांच पांच फंदे, लेकिन छः फंदे का सही है। ना ज़्यादा आपका बड़ा आएगा और ना ही ज़्यादा छोटा, छः फंदे का। फिर देखिए ये पीछे की साइड से, तो चलिए ऐसे ही पूरी रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट में एक फंदे को हम सादा बना देंगे। अब देखिए देखिए फ्रेंड्स हम आगे की साइड आ गए हैं। तो पहले फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, ऊन को अपनी साइड करेंगे, छह फंदे खोलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। छः फंदे खोलने के बाद हम देखिए तीन फंदे ये आगे वाला इस सलाई में ले आएंगे और इसके नीचे से आप ये तीन फंदे ऐसे ले आएंगे। तो फंदे आपने ध्यान से देखना है कि कोई आगे पीछे ना हो। देखिए फिर इसको हम इसके ऊपर ले जाएंगे और ये देखिए तीनों फंदा इस पे लाए। अब इनको हम एक दो तीन, तीन फंदे बनाए। फिर यहाँ से हम ये तीन फंदे बना लेंगे। ये तीन फंदे हमने बना लिए ऐसे। तो ये हमारी डिज़ाइन कुछ ऐसे बन गया है। तो ऐसे ही आपने पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। ऐसे ही ये डिज़ाइन हमारी बनती हुई चली जाएगी। आपको जितना बड़ा बनाना है, जितना चौड़ा बनाना है, आप छः के मल्टीपल फंदे रखें तो ये डिज़ाइन हमारी बनती जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।